हेलो एवरीवन वन आज एक बहुत ही शानदार चीज़ आप लोगों को बताने जा रहा हूँ स्टूडेंट्स को भी और टीचर्स को भी जो टीचर्स देख रहे हैं ना उनके लिए बहुत बढ़िया सी चीज़ है और वो ये यार कि हम टीचर्स को लगता है कई बार कि यार ये बच्चा ना बहुत काबिल है ऐसा लगता है कि यार ये ना अगर काश इसके पास पैसे होते कोचिंग के या बी करने के सारे पैसे होते तो बहुत अच्छा कर सकता है अपनी लाइफ में uh, मेरे दिमाग में भी ये आता है तो मेरी एक स्टूडेंट है कलश और वो यहाँ पर अभी इंडिया में है और कुछ फेलोशिप प्रोग्राम है जिसके बारे में वो डिटेल से आपको बताएंगे दस लाख की स्कॉलरशिप बच्चों को मिलेगी मतलब दस लाख रुपए ये लोग देंगे आपको कुछ नहीं करना ऐसा कुछ भी नहीं करना कि आप बहुत हाई फाई क्या करना है ये एग्जैक्टली exactly पता है ये जो आपको वेब पेज दिख रहा है एक्लेस फेलोशिप इंडिया का इसी वेब पेज पे जाना है मैं आपको कोई कंफ्यूजन ना रहे इसलिए इसके को फाउंडर से मिलवा रहा हूँ कलश से मिलवा रहा हूँ को फाउंडर एशलेन और मेरी स्टूडेंट कलश इसको इंडिया में प्रमोट करे हाय और आप प्लीज इसको डिटेल में बताएं थैंक यू माय लिन आई एटलस फेलोशिप the atlas fellowship uh, is a program for talented young people um, in india. we are selecting up to 50 atlas fellows this year to receive a 10 lakh rupee scholarship um, as well as a fully funded 11-day program in oxford. Uh, we are really excited to be able to invest in talented young people um, who are curious about what the future of our world looks like and wants to build things um, that help shape this future. कलश कुछ इंडियन बच्चों के लिए किस तरीके से मतलब इसको अप्लाई करना है ये आप बताएं तो so, um, पहले तो एटलस फेलोशिप वॉज द द बेस्ट अपॉर्चुनिटी फॉर मी मैं मैंने भी एक्चुअली मैं इनके साथ में बहुत uh, पहले से जुड़ी हूँ तो um, इसका एप्लीकेशन ऐसे रहता है कि आप यू कैन गो टू दिस वेबसाइट एटलस फेलोशिप डॉट आई एन और uh, इसमें आप एप्लीकेशन कर सकते हैं अप्लाई का बटन हर जगह पे मिलेगा ही आपको सो यू कैन जस्ट गो अप्लाई एंड डेडलाइन फॉर द फर्स्ट राउंड इज ट्वेंटी सेकेंड ऑगस्ट तो इसमें तीन स्टेजेस रहेंगे पहला रिटर्न स्टेज जस्ट टू नो हाउ वट योर कैरेक्टर हो यू आर एंड जस्ट योर बैकग्राउंड एंड स्टफ सेकेंड राउंड थोड़ा इन डेप्थ रहेगा

टॉप फाइव परसेंट और टॉप टेन परसेंट में है तो वो ही अप्लाई करे तो मेरे ख्याल से बेटर रहेगा इट विल भी बेटर क्योंकि मेरे हिसाब से इसमें टाइम भी जाएगा और प्लस चूंकि कम लोग हैं तो टाइम वेस्ट ना करें सारे के सारे बच्चे तो पहले मेरे हिसाब से ये वो अपने आप को जज करें क्या वाकई में वो जो रिक्वायरमेंट है इसके लिए वो फुलफ़िल कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं जैसा कि आपने बताया तो कुछ इस बारे में तो हम इस साल इंडिया से क्योंकि ये पहला साल है हम लोग पचास बच्चे सेलेक्ट करेंगे ये पचास बच्चे जाएंगे ऑक्सफर्ड और हर बच्चे को मिलेगी टेन लाख रुपये स्कॉलरशिप ऑक्सफर्ड सिर्फ एक कैंप के लिए 11 डेज कैम्प जो कि बहुत अच्छा होता है मैं करके आई हूँ यस तो बस ये कि अगर आप मतलब ऐसा जरूरी नहीं है कि आप टॉप फाइव परसेंट में हो टॉप टेन परसेंट में हो लेकिन अगर आप आपको लगता है कि आप दुनिया में बड़ी चीजें कर सकते हैं कुछ बड़ा सोच सकते हैं कुछ इनोवेट कर सकते हैं तो आई थिंक यू शुड अप्लाई ये इम्पोर्टेंट है ना yes. अगर आप अपने पर कॉन्फिडेंस रखते हो कि आप कुछ कर सकते हो यस yes. तो आप अप्लाई कर सकते हो ठीक है और इसमें आ, कलश ये भी है शायद कि नॉमिनेट करने वाला भी है कुछ क्या है उसमें नॉमिनेट करने में शायद तो अगर आपको लगता है कि ये बच्चा uh, काबिल है आप uh, किसी बच्चे को नॉमिनेट कर सकते हैं सो फॉर एग्जाम्पल इधर ही uh, हमें हमारा नॉमिनेशन भी है सो दिस इज़ वेर यू कैन गो नॉमिनेट पीपल तो अगर आपका नॉमिनेशन एज अ फेलो सिलेक्ट हो जाएगा तो यू विल गेट अ थाउजेंड टेन थाउजेंड रुपीज और दैट इज इट वर्क्स थैंक यू कलस थैंक यू सो मच थैंक यू एक्चली मैं मतलब इतना ज़्यादा खुश हूँ कलस से मिल कर के क्योंकि जब ये मेरे से मिली और मैं बहुत दिन से सोच रहा था कि ऐसा कुछ आए कि यार बच्चों को बहुत मन करता है यार ये बच्चा बहुत काबिल है और खासकर अभी जब से मैं अनकेडमी में आया हूँ तब से मुझे ऐसा फील आया कि बच्चों बहुत सारे बच्चों से मैं मिला तो मुझे ऐसा लगा यार इनको अगर थोड़ा सा फाइनेंशियली इनको पुश मिल जाएगा तो ये बहुत अच्छा कर सकते हैं लाइफ में और तो टेन लाख इज़ ह्यूज अमाउंट बहुत बढ़िया अमाउंट है मतलब ये बच किसी बच्चे को जो पढ़ना चाह रहा है अगर उसको मिलता है तो बहुत अच्छी बात है थैंक यू कलश थैंक यूलियर